हेलो दोस्तों, मैं हूँ रणबीर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रेल नॉलेज। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन की जानकारी है वो है 20409, पुरानी दिल्ली से भटिंडा के बीच चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों, इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन करता है और ये सुपर फास्ट टाइप की रोज़ाना चलने वाली ट्रेन है जो रोज़ाना पुरानी दिल्ली से चलकर रोहतक के रास्ते भटिंडा पहुंचती है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की तो यह ट्रेन पुरानी दिल्ली जंक्शन से भटिंडा की कुल दूरी 297 किलोमीटर को करीबन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 4 घंटे और 30 मिनट में तय करती है। और दोस्तों, इस ट्रेन का 3 स्टेशनों पे ठहराव रहता है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन को लेकर जाने वाले लोकोमोटिव की तो इस ट्रेन को पुरानी दिल्ली से भटिंडा तक गाजियाबाद लोको सेट का वेव 7 या वेव 5 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन में कोचेज की तो इस ट्रेन में आसिया पर एक श्रेणी के कुल 14 कोच रहते हैं, जिनमें सेकेंड एसी का 1, थर्ड एसी के 2, स्लीपर के 6, 3 कोच जनरल क्लास और 2 कोच एसएलआर के रहते हैं। अब दोस्तों, अगर बात की जाए इस पुरानी दिल्ली भटिंडा सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के किराए की तो इस ट्रेन का पुरानी दिल्ली से भटिंडा तक सेकंड एसी का किराया 765 रुपये रहता है, थर्ड एसी का किराया 555 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया 235 रुपये, तो वही जनरल क्लास का किराया 115 रुपये रहता है। दोस्तों, यह किराया पुरानी दिल्ली से भटिंडा तक का है, लेकिन ये अपडेटेड किराया नहीं है क्योंकि रेलवे समय समय पर इस किराए में बदलाव करता रहता है। इसे अपडेटेड किराए किराए की ज़्यादा जानकारी के लिए आप रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों, ट्रेन नंबर 20409 पुरानी दिल्ली भटिंडा सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन रोजाना पुरानी दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से सुबह में 8 बजे रवाना होती है। दोस्तों, यहाँ से रवाना होकर यह ट्रेन पहुँचती है रोहतक जंक्शन सुबह में 9:11 पे और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 9:13 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, जिंद जंक्शन यह ट्रेन पहुँचती है सुबह में 9:57 पे और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 9:59 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है अपने अगले ठहराव जाखल जंक्शन सुबह में 10:55 पे और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 10:57 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है अपने लास्ट स्टॉपेज भटिंडा जंक्शन दोपहर में 12:30 पे और दोस्तों यहां तक 297 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों, यह थी 20409 पुरानी दिल्ली भटिंडा सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।